दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे फ़ोन में हमारा जो व्हाट्सअप है दोस्तों वो ओपन नहीं हो रहा है। जैसे हम अपने व्हाट्सअप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हम लोग के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गूगल ड्राइव बैकअप और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाता है और ये कुछ इस तरीके से आ जाता है और हमारा जो व्हाट्सअप है दोस्तों वो ओपन ही नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों का अभी ये प्रॉब्लम है और आपका जो व्हाट्सअप है वो ओपन नहीं हो रहा है, जैसे व्हाट्सअप को ओपन करते हो तो ये प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसका सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा ईजी है और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आखिरकार ये जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों के फोन में क्यों आ रहा है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो चलो मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग अपने व्हाट्सएप को ओपन कीजिए। जैसे आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करते हो कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आता है, तो दोस्तों यहां पर बैकअप के लिए पूछा जाता है। जब आप जो अपना जो है सिम कार्ड निकाल देते हो या फिर अपना मेमोरी कार्ड रिमूव कर देते हो तो उस केसेस में यह प्रॉब्लम आता है, या फिर दोस्तों आप लोग जो है काफी दिन बाद यूज करते हैं अपने व्हाट्सएप को तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे गूगल ड्राइव बैकअप के लिए बोला जाता है, मतलब जो भी चीज़ आप जो है बातचीत किए व्हाट्सअप में, चाहे आपका फोटो मैसेज हो वीडियोस हो, उसको आप लोग जो है बैकअप के रूप में रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो। रखना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो क्या बैकअप का ऑप्शन है। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल से कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर आप लोग नेवर पर अगर आप लोग क्लिक करके यहाँ पर डन पर क्लिक करोगे ना तो आज के बाद दोस्तों ये आप लोगों को कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, जैसे आपका ये प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे सिंपल से नेवर पे इस तरीके से टैप कीजिए और यहाँ पे डन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपका जो व्हाट्सअप है यहाँ से ओपन हो चुका है और यहाँ से आपका व्हाट्सअप खुल चुका है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं जैसे व्हाट्सअप को ओपन करता हूँ तो हमारा जो व्हाट्सअप है वो एक बार में यहाँ पे ओपन होने लग चुका है और हमारा व्हाट्सअप यहाँ पे आ भी रहा है। मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ, देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से यूज़ करके आप लोग भी अपने व्हाट्सअप के इस वाले प्रॉब्लम को आप लोग इजीली से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो आप लोगों के लेके आते रहता हूँ जो कि आप लोग देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।